सो दोस्तों ये है एक कलर है, इसका नाम है स्टॉर्म राइडर सैंड, और दूसरा ये है एयरबॉर्न ब्लू। और अभी आपको दिखाता हूँ नज़दीक से ये दोनों गाड़ियाँ लगती कैसे हैं। तो दोस्तों मेरे साथ हैं आज हरदीपा जी और मैं हूं आज सेंट्रम रॉयल एनफील्ड शोरूम जो नारायणा में। हरदीपा जी आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाजी, आप सुनाइए। अच्छा हरदीपा जी, तो आज मेरे को आप जो रॉयल एनफील्ड के जो नए कलर आए हैं वो क्या दिखाने में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाजी, क्यों नहीं मिलेगा। सो सबसे पहले आप मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए कौन से दो कलर जो रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च करे हैं। रॉयल एनफील्ड ने दो नए कलर लॉन्च किए हैं, जैसे हमारा 500 में डेजर्ट स्टॉर्म और स्क्वाड्रन ब्लू आता था, तो कस्टमर्स की कई बार डिमांड आती थी कि ये कलर 350 में हमें मिलने, तो रॉयल एनफील्ड ने 350 वाले जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक नया सरप्राइज दिया है। ओके, इसमें डेजर्ट स्टॉर्म कलर वही कलर आए हैं सेम 350 में, बट उनके थोड़े से नाम चेंज कर दिए हैं। ओके, सो क्या नाम क्या रखे? स्टॉर्म राइडर सैंड हो गया है डेजर्ट स्टॉर्म। ओके, एंड एयरबॉर्न ब्लू हो गया है स्क्वाड्रन ब्लू। ओके, और उनको जो आपने अभी लास्ट देखा होगा पेगासस आई थी हमारी 500। हाँ, exactly, वो जो लिमिटेड एडिशन। तो जो ग्राफिक्स हैं वो पेगासस वाले दिए हैं, क्योंकि पेगासस आई थिंक 250 बाड़ी बिकी थी इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल, तो विद इन लेस देन 3 मिनट्स वो सोल्ड आउट हो गई थी। हाँ बिल्कुल, तो अब जो उसके बाद भी लोगों की डिमांड आई कि हमें भी पेगासस चाहिए, तो रॉयल एनफील्ड ने सेम पेगासस एडिशन ग्राफिक्स इसको दिए हैं, इसमें दिए हैं अपना स्टॉर्म राइडर सैंड में और एयरमैन ब्लू में। ओके, ठीक है। दोस्तों जैसे वैसे हरदीपा जी बोल रहे हैं पेगासस के लिए, पेगासस एक लिमिटेड एडिशन गाड़ी। बिल्कुल ठीक है, वो भी मैंने वीडियो यहीं पे सेंटर पे बनाया था, थैंक यू। उसकी डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और वो गाड़ी कैसे हुई थी वो जो भी इंफॉर्मेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, और आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपको ये जो वीडियो आज बनेगा कैसा लगता है आप इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि ये सब आप भाई लोगों के लिए हो रहा है। और आप अपना व्यूज़ दीजिए कैसी गाड़ी है, और इस गाड़ी में सबसे अच्छी खासियत निकाली है रॉयल एनफील्ड ने, हरदीपा जी क्या निकाला है इस गाड़ी के अंदर? अजी आइए गाड़ी के साथ ही देखते हैं। राइट, चलिए दोस्तों हरदीपा जी गाड़ी दिखा रहे हैं और आपको एक बैकग्राउंड दिखाता हूँ गाड़ी का और क्या क्या चेंजेस आए हैं गाड़ी के अंदर, चलते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल स्टॉर्म राइडर सैंड, जो एज सिमिलर कलर है हमारा डेजर्ट स्टॉर्म वाला, ये कलर है। ये पहला एडिशन, पहली बाइक है आरी ने जो निकाली है, जिसमें हम देख रहे हैं हमारे पास आए हैं ABS, ड्यूल चैनल ABS, दिस इज ओके। आइए, इसमें हमारा ABS ये लगा हुआ है डिस्क ब्रेक के साथ, ये हमारी डिस्क ब्रेक लगी हुई है, ये जो हमारा है ये चिप कंप्यूटर चिप है जो ABS कंट्रोल करती है, ठीक है जी। ओके, ठीक है जी, ये तार एक्स्ट्रा है ABS के लिए, ये वाली तार। यस ओके, ऑल सेम है, बाकी सेम है। और ड्यूल चैनल ABS है, खाली फ्रंट व्हील में ABS नहीं आएगा, पिछले व्हील में भी ABS है, जो पहली बार हो रहा है। ये आप देख सकते हैं दो तारें जा रही हैं, दिख गई, ये दिखाता हूँ मैं आप ऊपर, ये और ये। ओके, ठीक है जी। जी ओके, ये नीचे है। यस ठीक है जी, और ये सबसे पहले अभी आ रही है, मैं नया ABS अभी लॉन्च हुआ है इसी बाइक से, धीरे धीरे बाकी बाइक्स में भी आएगा, 500cc हिमालयन थंडरबर्ड सब में लॉन्च शुरू हो जाएगा इसी साल से। और जो मैंने आपको बताया था अभी कि खास एडिशन जो पेगासस लिमिटेड एडिशन वाली ग्राफिक्स आए हैं, वो पेगासस था हमारा इंग्लैंड की आर्मी का फ्लाइंग फ्ली का एडिशन था, बट ये हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं फॉर अवर इंडियन आर्मी, तो इसमें यहाँ पे इंडियन फ्लैग आ गया। ओके, आरी का लोगो सेम आएगा जैसे पेगासस में था, एंड दिस इज बिल्कुल सेम लोगो है, देन ये कोड अलग से हैं सॉर इन 350 बाइक्स इस बाइक के। ओके, सो मतलब मींस जैसे पेगासस में कोड थे वैसा ही कोड रखा इसमें, हर बाइक का अलग कोड होगा। इसमें इंजन मैट ब्लैक हो गया सारा, ये दिख रहा है मैट ब्लैक है इंजन आपका, बैटरी बॉक्स भी ब्लैक हो गया है, जबकि डेजर्ट स्टॉर्म में बैटरी बॉक्स ब्लैक नहीं आता, वो मिलिट्री कलर आता। एग्जैक्टली, मगर हरदीपा जी यहाँ पे ये ब्रांडिंग स्टिकर्स हटा दिए, पेगासस में भी ऐसा ही था। और ओके, बाकी जो ये सैडल बैग है ये एज ए
ایز اے ایسیسریز بائک کے آپ الگ سے پرچیز کر سکتے ہیں, بائک کے ساتھ نہیں ہے. یہ بائک کے ساتھ نہیں ہے الگ سے لے سکتے ہیں. 6000 روپے کے بیگس ہیں اور 1600 کا ان کا جو پیچھے ماؤنٹ لگے گا کیریئر. اچھا یہ لگا ہوا ہے. اوکے, یہ سیڈل ٹرے جس کو بولتے ہیں, سیڈل ٹرے کہہ لو. ہاں ہاں, جو اسٹے دونوں 1600 کے سیڈل ٹرے ہیں اور 6000 روپے کے بیگس ہیں. آپ اپنی بائک, اگر آپ کے پاس کوئی پرانی بائک ہے تو آپ اس پہ بھی لگا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آل بائک فٹنگ ہے, کوئی دقت نہیں ہے, کسی بائک پہ لگ جائیں گے آپ کی. ہینڈل بلیک ہو گیا, میٹ بلیک, یہ دیکھیے. ہاں, یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, سائڈ میررز بلیک ہو گئے. سب سے بڑی چیز اس میں, آپ کا 350 میں یہاں پہ ایم میٹر آتا تھا, اب یہاں پہ فیول آ گیا جس پہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا ریزرو لگا جیسے 500 میں آتا تھا. ہاں بالکل بالکل. تو اس کے ساتھ ہی اے بی ایس آ گئی ہے. اگر اے بی ایس آن ہوگا تو یہاں پہ لائٹ بلنک کرے گی, آپ کا اے بی ایس آن ہے. یہی چینج آئے ہیں, سائڈ میرر بلیک ہو گیا, انڈیکیٹر بلیک ہو گئے, انڈیکیٹر بلیک ہو گئے. اور اس گاڑی میں آپ کے جو اسپوکس ہیں, رم ہیں, وہ بھی بلیک آ گئے, یہ دیکھ سکتے ہیں. ہیڈ لائٹ کا بھی بلیک, یہاں پہ بھی 49 نمبر آ گیا انڈین آرمی کے لیے, سیم لوگو اور سیم وہ یونیک نمبر گرافکس. انجن میٹ بلیک آ گیا, یہ بلیک ہو گیا, سیم وہی, کوئی اس پہ بھی گرافک نہیں, پلین رہے گا. سب سے بڑی بات, سلنسر بھی پورا میٹ بلیک سیم. سو دوستوں, یہ ہے ایک کلر ہے, اس کا نام ہے اسٹارم رائڈر سینڈ, اور دوسرا یہ ہے ایئربورن بلو. اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں نزدیک سے یہ دونوں گاڑیاں لگتی کیسے ہیں. دوستوں, ایک بار میرے کو بتا دیجئے ایک بار پھر, یہ دونوں گاڑیاں الگ کیسے رہی ہیں؟ تھوڑا سا اونچا والا شاٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ادھر سے, یہ ادھر سے دوسری والی, آپ کو کیسی لگ رہی ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. اور میرے چینل جے ڈی بلاگز ڈیلی کو سبسکرائب کریے اور فالو بھی انسٹاگرام اینڈ فیس بک. سو ہردیپا جی, اس کی جو پرائسنگ کتنی ہے؟ جی, پرائسنگ کے معاملے میں تھوڑا سا بڑھ گیا ہے یہ, کیونکہ آپ کو جیسے دیکھا ڈیول چینل اے بی ایس آ گیا ہے. تو نارمل کلاسک 350 ہماری آتی تھی پہلے 160-500 کی, تو اب آلموسٹ اے بی ایس آنے سے 16000 روپے اماؤنٹ بڑھ گیا ہے. تو یہ آپ کو آن روڈ پڑے گی 178-500. تو دوستوں, اگر آپ کو میرا آج کا جو ویڈیو میں نے بنایا ہے, رائل انفیلڈ کی کلاسک کے دو جو ماڈل آئے ہیں, سینڈ رائڈر اسٹارم اور
एयरबॉर्न ब्लू जिनमें ABS आया है, पहली बार ही रॉयल एनफील्ड में लॉन्च करा है. अगर अच्छा लगता है सो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल JD Vlogs Delhi एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. सो गाइज जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय.